देखिएगा, अपर डिवीजन क्लर्क है, जनरल सेंट्रल सर्विस है, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है फ्रेंड्स में। और एलिजिबिलिटी देखिएगा, इसमें 5200 रुपये लेके 20,200 रुपये तक का इसमें आपका ग्रेड पे होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपके क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, भारतीय तट रक्षक ग्रुप सी भर्ती 2021 की, फ्रेंड्स इसकी नई भर्ती शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, इसमें महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये भारत के सभी राज्यों में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आयु सीमा होगी फ्रेंड्स, 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक इसमें आवेदन आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब्स की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिएगा। फ्रेंड्स, इसमें फीस की बात करें तो बिल्कुल फ्री होगी ये। इसमें हाइट की बात करें, 150 सेंटीमीटर कम से कम इसकी हाइट आपको चाहिएगी। फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, इसका फॉर्म फिल कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाना है, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा, unicfriends.in पे। इसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पर आके विजिट कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, देखिएगा 75 पोस्ट हैं इसमें। फ्रेंड, पोस्ट नेम की बात करें, ग्रुप बी एंड सी की भर्ती है। फ्रेंड, ये देखिएगा नंबर ऑफ पोस्ट, सीनियर सिविलियन स्टाफ ऑफिसर हैं, सेकंड पे सिविलियन गजेटेड ऑफिसर है, तीसरे पे सिविलियन स्टाफ ऑफिसर है, नंबर 4 सेक्शन ऑफिसर है, नंबर 5 पे अपर डिवीजन क्लर्क है। फ्रेंड, अप्लाई मोड जो होगा वो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों से। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट, पूरे भारत से कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर की बात करें, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में आपको जॉब भी कहीं मिल सकती है और एग्जाम सेंटर भी आपका पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। जो इसमें पे स्केल की बात करें, देखिए 21,700 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये पर मंथ तक का आपका इसमें पे स्केल रहेगा। फ्रेंड, देखिए एज लिमिट की बात करें, देखिए 18 साल से लेके 40 साल तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 18 से 45 साल तक आवेदन कर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, 18 साल से 43 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी एज काउंट होगी 1 अप्रैल 2021 से काउंट होगी, 1 अप्रैल 2021 से, ना तो आपकी 18 साल आयु कम हो ना ही 40 से ज़्यादा हो। जो एज रिलैक्सेशन की बात करें फ्रेंड, आयु में छूट, वो देखिएगा एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होगी, ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें, देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो फ्री है, एससी एसटी कैंडिडेट भी हो तो भी आप फ्री है, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल ये फ्री है। सभी हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड, फिजिकल डिटेल की बात करें, इसमें ऑल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है। नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट हो अगर आप तो 150 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट हो आप या आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे आप कौन से जोन में आते हो। जो रनिंग टेस्ट होगा इसमें फ्रेंड कुछ भी नहीं है, ये बिना दौड़ के भर्ती होगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखिएगा, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, फोटो का लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, 10वीं का हो आपके पास, 12वीं का हो तो भी आप इसमें लगा सकते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आईडी प्रूफ में फ्रेंड पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, दोनों में से कोई सा भी हो तो भी लगा सकते हो। अगर ये दोनों में से कोई सा भी नहीं है तो अदर हो तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो। इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी हिंदी में लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, इस पे क्लिक करके आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा तो कंप्लीटली जानकारी आप हिंदी में ले सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, सेकंड पे मेडिकल टेस्ट होगा, तीसरे पे फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड, देखिएगा 10वीं पास कर रखी हो या 12वीं हो या और आईटीआई हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सिविल इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें फ्रेंड, देखिएगा स्टार्ट डेट और सबमिशन एप्लीकेशन के वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट एप्लीकेशन होगी फ्रेंड्स
वो 29 जून 2021 होगी फ्रेंड्स। 29 जून जो 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। जो आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करोगे जो उसके लिए पोस्टल एड्रेस चाहिएगा फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पे क्लिक करके लेना पड़ेगा। इंपोर्टेंट लिंक्स देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा unicfriends.in पे। नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक हियर पे, तो आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। आप वहाँ पे आके कंप्लीट फिल कर सकते हो। हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, तो आप यहां से कर सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे इसका नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। देखिएगा कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली 11001। ये देखिएगा फ्रेंड्स इसकी पोस्ट नेम, ये कंप्लीट जानकारी फ्रेंड्स आप यहां से देख सकते हो। सेकेंड पोस्ट है सिविल इंड ऑफिसर स्टाफ है, उसके लिए क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, पोस्टिंग क्या चाहिए। तीसरे पे पोस्ट नेम ऑफ सिविल इंड गजेटेड है, इसमें कंप्लीट जानकारी फ्रेंड्स आप ले सकते हो। नीमे जानकारी चाहिए इस भर्ती की तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट, इसकी न्यू ईयर इवेंट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां पे आके विजिट कर सकते हो। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद जय भारत।